जिसमें मीका सिंह हैं। तो क्या बोल दीजिए, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच। और आज क्या मेन उद्देश्य आप यहाँ पे आई हूँ? ओके, हमारा फोटोशूट चल रहा है, सिंगर दिलबाग सिंह हैं, अभी मीका सिंह भी आते ही होंगे, और डीजे सुमित सेठी और मिलिंद गाबा ने कंपोज किया है, तो उसके प्रमोशन के लिए ये फोटोशूट हो रहा है, और वीडियो ऑलरेडी हम लोग शूट कर चुके हैं। गाना किस टाइप का होने वाला? इट्स अ वेरी पार्टी ग्रूवी नंबर, आई मीन आप जैसे ही सुनेंगे आपको नाचने का मन करेगा, ऐसा नंबर है ये। जैसे गाना मीका सिंह हमेशा देखते हैं, हाँ, होता है थोड़ा सा इमोशनल, हाँ उसी की तर्ज पे ये भी है। तो आप इसमें मेन लीड निभा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। तो आपका किस टाइप का किरदार होने वाला है, उस बारे में बताइए। किरदार में एक पार्टी गर्ल हूँ जो डांस करना पसंद करती हैं, और वी आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर एंजॉयिंग इन अ वेरी पार्टी सेटअप, सो दैट काइंड ऑफ थिंग इट इज। कितना एंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी में? कितना एंजॉय कर रही हूँ? बहुत ज़्यादा, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतना ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तो आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट क्या आने वाला है, उसके बारे में? मैं एक मूवी भी कर रही हूँ सनी लियोनी और राम कपूर के साथ, इट्स कॉल्ड कुछ कुछ लोचा है, वो रिलीज होने वाली है मई 8 को, तो उसमें भी मैं एक बहुत अहम किरदार निभा रही हूँ। शी इज़ अ वेरी स्वीट एंड डाउन टू अर्थ गर्ल, आई मीन जो लोग कहते हैं कि आप बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं तो उनके एटीट्यूड होते हैं, उनके टैंट्रम्स होते हैं, मैंने उनके साथ काम करके ऐसा बिल्कुल फील नहीं किया कि उनके कोई भी टैंट्रम्स होंगे। राम कपूर तो अपने आप में एक महान एक्ट्रेस है, तो उनके साथ एक्टर है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो आई मीन ही इज़ अ बाइकर एंड इवन आई एम अ बाइकर, तो हम लोग जब सेट पे थे तो वी गॉट टू नो कि हम दोनों बाइकर्स हैं, तो उस हिसाब से हम जेल हुए हैं कि चलो कभी राइड पे चलते हैं ऐसा, सो ही इज अ वेरी कूल चिल्ड आउट मैन, ऐसा है। चलिए, पार्टी सीक्वेंस जब आप पार्टी शूट कर रहे थे वीडियो, हाँ, तो ऐसा कोई दो मतलब इमोशनल या फिर कोई दो मोमेंट ऐसा बताइए जो आप बहुत ही फनी था या फिर बहुत ही इमोशनल हो चुका था? बहुत ही फनी था, ऑफ कोर्स इमोशनल तो नहीं था, फनी ही होगा, पार्टी नंबर शूट कर रहे थे तो इमोशनल तो नहीं होना चाहिए। फनी इंसिडेंट्स, हम लोग एक शॉट दे रहे थे जहाँ मार्टिनी के ग्लासेस थे और चार लोग हम लोग खड़े हुए थे, एंड वी हैव अपने बिना मतलब हाथ हाथ छोड़े हुए ऐसे ही पीना था उसको, तो हमारे पीते पीते ग्लास टूट गया, दांत में ही टूट गया, तो दैट वाज रियली फनी, दो तीन लोगों के साथ ऐसा हुआ, सो इट वाज रियली फनी फॉर अस। तो पार्टी का जो विजुअल शूट हुआ उसमें वो डाला गया इमोशन जो सीन ऑफ कोर्स टूटा हुआ तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन हाँ परफेक्ट सीन दिखाया गया है उसमें। नहीं, आपको लगता है कि अगर वो डाला था तो और ही अलग विजुअल बनता था? नहीं, फिर वो गैग्स बन जाते जो फनी गैग्स होते हैं, तो वी कांट शो दैट। चलिए, मीका सिंह के साथ काम करके बहुत ही अच्छा रहा, आई मीन ही इज अ वेरी जेन्युइन मैन, ही इज अ वेरी जेन्युइन पर्सन, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, बहुत अदब से बात करते हैं, एंड वेरी डिसेंट मैन। आज जो फोटोशूट होने वाला है उसके बारे में बताइए कि क्या किस प्लेस में फोटोशूट होने वाला है और कैसे, किस तरह किस क्या फोटोशूट आज जो होने वाला है, हाँ जी, उसके बारे में बताइए डिटेल्स कि क्या किस तरह की फोटोशूट होने वाला है और किस लेवल। ये भी बिल्कुल गाने की स्पिरिट को लेते हुए ही ये भी फोटोशूट हो रहा है, जहां हम लोग बहुत फनी एलिमेंट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, वी विल बी यूजिंग सम बॉटल्स, क्योंकि इस बॉटम्स अप में हम लोग ने बॉटल्स और ड्रिंक्स और ये सब काफ़ी यूज़ किया है, तो वो भी यूज़ करेंगे हम, एंड हाँ इस टाइप का रहेगा। लास्टली, आप किस फैशन डिजाइनर को सबसे ज़्यादा मानते हैं कि ये मेरी लाइफ का फैशन डिजाइनर आप मानते हैं? मेरी लाइफ का फैशन डिजाइनर, ओके, अच्छा, वेल मुझे अगर मतलब चांस मिले तो मैं सब्या सची जो हैं उनके डिज़ाइंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अगर जब मेरी शादी होगी कभी तो मैं उनका लहंगा पहनूंगी, उनका डिज़ाइन किया हुआ। अच्छा अवंतिका, कौन सा ऐसा मेल एक्टर है जिसका स्माइल आपको काफी पसंद आता है? मेल एक्टर जिनका स्माइल पसंद आता है मुझे, अच्छा, ऋतिक रोशन। एन एक्ट्रेस? एक्ट्रेस कंगना रनौत। लास्ट अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहिए? ये वीडियो हमने बहुत ही मस्ती में बनाया है और मैं चाहती हूँ आप लोग भी ये एंजॉय करें, और बहुत ही पार्टी ग्रूवी नंबर है, आई एम श्योर यू गोना लाइक इट, सो प्लीज डू वॉच इट। क्वेश्चन बोल रहे हैं, आपको एक बोल सुनाना होगा उस गाने का। बोल सुनाना होगा, अभी मैं बोल ही रही थी कि मेरी आवाज बैठी हुई है तो मैं गा नहीं पाऊंगी, आप जरूर दिलबाग सिंह से कहिएगा, वो आपके लिए गा देंगे। कोई बात नहीं, चलता है। आई एम सो सॉरी, आई कांट सिंग राइट नाउ। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
हाँ सर यहाँ मैम यहाँ पीछे से लूप में डाल क्या है कार्ड पे कर रहे हो मेरा नाम ज़ारा खान है, मैं इस मूवी में एज अ लीड कर रही हूँ और इस मूवी की जो स्टोरी है